अरे तुमको क्या लगता मैं तुम्हारा दुश्मन है? अरे तुमको मालूम है क्या पूरी सिगरेट तंबाकू से क्या होता? मम्मी मम्मी पापा हमें छोड़ के कहाँ चले गए? लेकिन एक बात बताओ चीचा, तुम्हारा बेटा मरा कैसे? मेरे बेटे को तंबाकू और गुटखे की बहुत आदत थी, है उसकी वजह से उसको कैंसर हो गया और वो हम लोगों को छोड़ के चला गया। एकदम नजर गड़ा के चलो, एक को भी छोड़ने का नहीं रहेगा। हाँ छोटू तू चल, आज तो गए पूरी खाने वाले मेरे हाथ से। मुझको कहती थी गुटखा खाना छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ेगा तो तुझको छोड़ दूंगी। साहब देखो वो कैसा बैठ के पचर पचर टुकड़ा। अरे मेरे बाप रे बाप, छोटू के हाथ में फंदा और हवलदार के हाथ में डंडा। घना टोपी ये इधर आ रहे, तू भाग। लेट्स गो। अरे साहब पकड़ो। पकड़। अरे हवलदार साहब, अरे ढकलो ना उधर से। अरे बाप रे बाप, अरे नहीं ना, अरे मैंने क्या किया? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मारो साहब, मारो साले को। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे बाप, मारो। रुक रुक रुक। एक बात बता गन्या टोपी, तू चोर है क्या? नहीं। तू लड़की चढ़ता क्या? नहीं। तू गांव का गुंडा है? नहीं। अरे तो फिर तू हम दोनों को देख के भाग रहा क्यों था? हाँ ना यार, मैं क्यों भाग रहा था? अरे बंदर, तेरे मुंह में जो गोबर है ना, उसकी वजह से मार रहे हम तुझे, और तेरे को दो चार दंडे पड़ेंगे ना तो तू ये गोबर खाना छोड़ देगा। ए छोटू, मेरे पैसे, मेरा मुंह है, मैं गुटखा खाऊं या गोबर खाऊं तुमसे मतलब? अरे हवलदार साहब, अरे पानी ना वो सिर के ऊपर हो रहा। अरे अब मैं बोलता ना, दे डालो इसको। ठीक है, बस बहुत हो गया। ये गुटखे से प्रॉब्लम था ना, ये मैंने फेंक दिया। गुटखा तुक दिया ना तूने? अरे हमको तेरी जायदाद थोड़ी हो ना, चल ये रस्सी खोल, हाँ लूट बैठ कर जल्दी। आज के बाद मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। देख दादा, मेरी गलती थी, इसके वजह से मैंने उठ बैठ भी कर लिया और गुटखा भी फेंक दिया। अब जाऊँ क्या मैं? और सुन, आज के बाद कभी तू गुटखा खाते दिख गया ना मेरे को, तो तेरा मुंह सीधूंगा। चल निकल यहाँ से, चल। ओह नो, अरे अरे कौन है तुम लोग? अबे पहले ही सिगरेट नहीं जल रही थी, उसमें से आके बुझा दिया तूने। ओ झिपरिया, अभी तो खाली सिगरेट बुझा है, सिगरेट अगर जल जाती थी ना तो तेरे दोनों टुप नल्ले बुझा डालता था मैं। क्या बोले? अरे इनका मतलब है तू सिगरेट पीने की शर्त लगा रहा क्या? और कितनी सिगरेट पीता? अरे क्या बात कर रहे, अरे सिगरेट का तो तलपी है मैं, ला कितनी सिगरेट निकाल साहब। ये ले पी। Oh no! Hey!
ये क्या दे रहा? सिगरेट नहीं पीता मैं, पकड़ इसको। मैं गरम सिगरेट पीता, गरम गया। तू इसको पीते ठंडा हो जाएगा। हाँ क्या बोले? अरे इनका मतलब है तो वो गरम सिगरेट से ये सिगरेट अच्छी है। क्या लाबीर ये ले गला सिगरेट। नो 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 अबे चोटू, अबे ये क्या करा? अबे मेरे मुंह में बम डाला तूने। आज के बाद कभी तुम एक सिगरेट पीते दिखा ना, तेरे मुंह में ना सही का बम फूट डालूंगा, समझा? चलो चल चोटू। अरे दिन भर घूमते रहता, अरे कभी बुड्ढे बाड्ढों का काम भी कर दिया कर बेटा। अरे दादी तो बोला क्या काम करने का? अरे बेटा छोटू जरा पान की दुकान पे से मेरे को पान ला के दे दे। ए छोटू जल्दी जा और नानी के वास्ते एक मीठा पान ले गया। मीठा? अरे नानी मीठी नहीं है। अरे नानी बहुत तेज है, तेज पान खाती नानी। अरे तंबाकू वाला ला। ऐसा? ओह नो, मतलब तंबाकू वाला पान खाती नानी तू? अरे फिर ऐसा? बोल नानी कौन से तंबाकू वाला पान खाती तू? एकदम इजी है रे माँ, 120-300 काला सूखा भड़ो। और वो मैं क्या कह रही थी, वो दांत घसने की तमाकू आती ना, वो भी थाली डाल लेना उसमें। अरे माँ मैं जब तक इतने तमाकू खाती नहीं ना, मेरे को जरा ही अच्छा लगता। ठीक है नानी, ला पैसे दे, मैं भी तेरा पान लेके आता। हाँ देरी ना। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा है रे माँ तू, कम से कम बूढ़े बाटो का सुनता तो सही। ये ले। अंदर साहब, नानी के ना पैसे लेके भाग जाते अपुन, अब नानी अपनों को ढूंढते रहेंगी। चलो चलो लेट्स गो। ओह शिट, आई ओल्ड माँ। ओह नो, ये रे चुडू, अरे अंदर है क्या? पूरा गुटका गिरा दिया मेरा। अबे अबू, अबे गुटका ही गिराया तेरा, तेरा सोना चांदी नहीं गिराया जो इतना गरम हो रहा। अरे छोटू तेको क्या मालूम है, गुटके के दाने दाने में केसर का स्वाद है। केसर का स्वाद नहीं, उसमें ना कैंसर का स्वाद है, कैंसर का। अरे छोटू क्या मतलब है इसका? अरे इनका मतलब है गुटका खाने से बीमार हो जाते। अरे तू भी बीमार हो जाएगा, तू कैंसर हो जाएगा और तू भी मर जाएगा। छोटू चल सुम कार्ड मुंबई देख। ऐसा हवलदार साहब बताओ जरा इसको मुंबई। चलो चल छोटू। हेलो, अरे क्या हो साहब? अरे आते जल्दी, अरे अपनों को गुटका खाने वालों को मारने का है ना। क्या देख रहा है ऐसा? पान के पैसे लेके गया था ना तूने मेरे? अरे तेको मैं पान में डाल के खा जाऊंगी। हाँ अरे मेरे मुंह में बम फोड़ा था ना तूने, रुक जा बेटा, अब तेरा मुंह देख मैं कैसा फोड़ता। मेरा गुटका गिराया था ना तूने, 12,000 रुपए किलो गुटका है, काजू बादाम से भी महंगा है वो। अरे मेरे से मेरे बाबा 70 रुपए लेके गए दारू की बाटली लाने के लिए, मेरे बाबा की दारू की बाटली फोड़ डाला इसने। अच्छा मतलब तुम लोग मेरे को मारने आए? अरे तुमको क्या लगता मैं तुम्हारा दुश्मन है? अरे तुमको मालूम है क्या पूरी सिगरेट तंबाकू से क्या होता? अरे कल सुबह जब मैं जा रहा था ना, मम्मी मम्मी पापा हमें छोड़ के कहाँ चले गए? अरे बेटा अब रोने से क्या फायदा, जो होने का था हो गया। क्यों चीजा, क्या हो गया, क्यों रो रहे साहब? क्या बताना छोटू, देखू
मेरा एक बेटा था, ये उसकी औरत है, उसके 3 बच्चे, एक बीमारी की वजह से वो मर गया छोटू। अब उसकी बीवी और उसके 3 बच्चों को मैं कैसे पालूंगा छोटू, अभी उम्र में तो मेरे से काम भी नहीं होता। अरे चीचा, अरे तुम टेंशन मत लो, अरे तुम समझ लो आज से मैं तुम्हारा बेटा है। अरे ये सबकी देखभाल ना आज से मैं करूंगा। लेकिन एक बात बताओ चीचा, तुम्हारा बेटा मरा कैसे? अरे छोटू, मेरे बेटे को तंबाकू और गुटखे की बहुत आदत थी, वो उसकी वजह से उसको कैंसर हो गया और वो हम लोगों को छोड़ के चला गया छोटू। चीचा, मैं तुम्हारे से वादा करता कि आज के बाद एक भी जवान पूरा अपने गांव में गुटखे और तंबाकू की वजह से मरेगा नहीं। अरे इसके वास्ते रोक रहा था मैं तुमको गुटखा तंबाकू खाने से, और अगर इसके बाद भी तुमको मेरे को मारने का ना तो मार दो। मैं भी आज के बाद कभी पान नहीं खाऊंगी माँ, वादा करती देखो। मैं भी वादा करता, मैं भी आज के बाद कोई सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं भी गुटखा नहीं खाऊंगा। और मैं भी वादा करता छोटू, मैं भी मेरे बाबा को 70 रुपए नहीं दूंगा दारू के बाटली के वास्ते। मेरे प्यारे भारतवासियों, अगर आप लोग भी अपनी फैमिली से प्यार करते हैं ना, तो आप लोग भी पूरी गुटखा तंबाकू और सिगरेट छोड़ दीजिए।